मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग हैदराबाद में, हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो, खुजाओ मत। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अरे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मंजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मंजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000-40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मंजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मंजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मंजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। शुरू गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग हैदराबाद में, हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो, खुजाओ मत। खुजाए तो खुजली हो जाती, कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, वो मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30,000-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के।